हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है भाई 8 मार्च, मंगलवार का दिन है और मेरी आज, जैसा कि आपको पता है, मॉर्निंग शिफ्ट है और सुबह के बज रहे हैं इस वक्त 6:30। रात को सोते 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 मुझे बज गए थे 12:30। नींद ही नहीं आ रही थी, कोल्ड हो रहा है थोड़ा सा, गले में भी दिक्कत हो रही है। तो सुबह 6:30 बज रहे हैं, अब उठ गया हूँ, फटाफट तैयार व्यार होता हूँ। एक तो काम है, जरा कूड़ा फेंक के आना है, ये काम है सबसे पहले, तो कूड़ा वूड़ा डाल के आता हूँ और फिर 7:30 बजे तक हद से ज़्यादा निकलना है, 7:30 7:45 तक निकलना है, ताकि 9 बजे तक हम पहुँच जाएँ, लेट ना हो। आफ्टरनून शिफ्ट में थोड़ा सा लेट भी मुझे चल जाता है, क्योंकि 2 स्टाफ ऑलरेडी आ चुके होते हैं, पर मॉर्निंग स्टाफ में लेट होना नहीं चलता बॉस। तो चलते हैं फटाफट, आज मॉर्निंग स्टाफ की शिफ्ट करेंगे हम और इवनिंग में जल्दी निकल जाएंगे, तो मज़ा भी आएगा। तो चलते हैं, तैयार होते हैं फटाफट और आपसे मिलते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और भाई लोग, ऑफिस पहुँच चुका है भाई, और इस वक्त बज रहे सुबह के 9, और जैसा कि आपको पता है 9 से 5:30 की शिफ्ट है मेरी। तो हम 9 बजे अपने ऑफिस आ चुके हैं, तो अपना काम वाम शुरू करते हैं, जैसा बेसिक रहता है रूटीन, जो क्वेरीज हैं वो देखते हैं और भाई लोग से मिलते हैं और बैठते हैं, काम करते हैं और आपसे भी मिलते हैं, मिलता हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। भाई लोग, इस वक्त बज चुके हैं शाम के सही 4:45, और हालत देख रहे हो चिड़िया, मेरे को ना फीवर सा फील हो रहा है अपने आप में, जैसे फीवर सा हो रहा है, इसलिए सुबह से शरीर ढीला ढीला सा हो रहा है भाई, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे क्या बताऊँ, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। तो सारा दिन ऐसे ही हमारा काम में पीता रहा, सारा काम में लगे रहे। मतलब आज, हाँ, हमारे पास क्वेरी लोड थी, पर एक चीज़ की खुशी है बार बार कि आज मैं मॉर्निंग शिफ्ट में हूँ और 5:30 बजे छुट्टी हो जाऊँगी, 6:30 तक घर, 7 बजे तक घर पर आऊँगा। दिन बहुत अच्छा बीता है, मंगलवार का दिन है, महाबली का वार, तो बजरंग बली को याद करके घर से आए थे तिलकधारी बनकर। अब रूटीन सा बना लिया है मैंने एक्चुअली, डेली पूजा वूजा करके जाने का, पहले भी करता था, पहले टीका नहीं लगाता था, तो मैंने कहा अब कतई वो था ना मोहब्बत फिल्म में अनुशासन परिष्ठा तो अमिताभ बच्चन वाला रोल प्ले नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हाँ अब डेली पूजा वूजा करके तिलक लगा के निकलता हूँ, ताकि दिमाग मन दोनों चीज़ शांत रहे और अपना काम में ध्यान अच्छा लगे। बाकी दिन बहुत अच्छा बीत रहा है और मिलते हैं, अभी काम में लगे हुए हैं, थोड़ा सा और काम बच रहा है, 5:30 बजे तक की बात छुट्टी हो जाएगी भाई, फ्री हो जाएगा, आपको नज़ारा दिखाएंगे घर जाने के, और घर जाके मिलते हैं। और घर जाते हुए हमें एक चीज़ लेते हुए जाना है, जो कि मेरे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे फिश टैंक में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वजह से हमारा जो कछुआ है वो बेचारा पानी में पड़ा रहता है, तो उस लग जाएगा तो उसको, कछुए को घर मिल जाएगा प्रॉपर, उसका बैठने की जगह मिल जाएगी, तो जब मिल जाएंगे तो दिखाते हैं और लेंगे उसे, आपसे मिलते हैं। ओ हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और देख रहे, मतलब आज तो कतई चौड़े दिन में जा रहा है भाई, छुट्टी हो गई है, 5:30 बज रहे हैं और अपने घर की ओर चलते हैं, और घर जाते जाते वो कछुए के लिए सामान भी लेना है, उसका घर बनाना है बढ़िया सा, ताकि वो आराम से बैठ सके, बेचारा पानी में पड़ा रहता है बेचारा मेरा। तो चलते हैं, अपना फिश टैंक भी सेट करते हैं आज और घर पहुँचे जल्दी, आनंद काटते हैं। ये अपनी 20 खड़ी है, तो सफर शुरू करते हैं घर की, और मिलता हूँ आपसे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और भाई लोग, मैं आ चुका हूँ, मतलब रास्ते में जा, मैंने तो मैं कहा था फिश टैंक के यहाँ सामान लेना है मुझे, तो मैं आ चुका हूँ द पैट शॉप करके एक शॉप है सूरजमल रोड पे, वहाँ है, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या आपको मिल सकता है, क्या क्या आप ले सकते हैं। तो यहाँ भाई खरगोश भी हैं, बर्ड्स भी हैं, वाह, और फिशिश तो माशाल्लाह बड़ी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं सारी भाई की दुकान पर, तो इशू तो नहीं है भाई दिखाने में आपकी मछलियाँ। हमारे ऑफिस में सर है नदीम भाई हमारे, उन्हें भी मछलियाँ लेनी है, तो वो भी देख लेंगे कल के ब्लॉग में, और जो हुआ तो वो भी मछलियाँ ले लेंगे आपकी दुकान से, बड़ा ठीक यही है दिखाना कौन सा है। तो हमें लेना था बेसिकली कछुए की बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट करना है, क्योंकि शायद दिन रात वो पानी में पड़ा रहता है बेचारा, तो ये उसके स्टैंड जो एक्वेरियम में लग जाएगा इस पर वो बैठ जाएगा। एक ये है भाई इस वक्त अवेलेबल, और एक ये है, कितने के भी है ये?
वो 200, ये 200 का है और ये 150 रुपये का है। और फिश एक्वेरियम के लिए और क्या सामान है आप पे यार? वो कछुआ उखाड़ देता है इन्हें। हाँ और बर्ड्स कैसे दिए हैं आपने? 600 रुपये का खरगोश, 1000 रुपये का पेयर है। बर्ड्स की लाइफ सही रहती है? क्या लें और साथ में हम ये वाला तो फाइनल कर दो, मेरा ये दे दो। वैसे मुझे बड़े की ज़रूरत थी, उस पर वो चढ़ेगा। मेरे पास एक पूरा बड़ा स्लोप बना हुआ था, बड़े वाला नहीं है आप पे? मंगवा देंगे अगर आए तो। चलो फिलहाल तो ये दे दो हमें। फिश भी लेने का मन हो रहा है मेरे, मैंने मेरा फिश और डाल दो एक्वेरियम और अच्छी लगेंगी यार। मुझे नहीं आ रहा क्या करूँ, मेरे पास ही फिश थी सबसे पहले। ये टाइगर फिश वाली है और ये ब्लैक वाली कौन सी है? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और भाई लोग, इस वक्त बज रहे हैं सही 6:45 और हम अपने घर आ चुके हैं। कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, हम सही 6:30 पर घर आ गए थे। और हम जैसा कि आपको बताया था, कछुए का जो स्टैंड लेना था वो ले आए हैं और अब उस स्टैंड को लगाने की तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं कछुआ बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा। ऐसे तो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, पर हाँ इतना छोटा नहीं है कि ना बैठ पाए। वो बैठने लायक है, पर वो बड़ा था जो पहले लगा था, उसमें स्पेस मिल जाता था, चढ़ने की जगह थी उसके लिए, सीढ़ी सी बनी हुई थी, स्लैब रैंप सॉरी रैंप बनी हुई थी, इसमें चढ़ जाता था। तो इसे लगाते हैं और आपसे दिखाते हैं इसे लगाने की प्रक्रिया पूरी। हमने फाइनली स्टैंड लगा दिया और ये बड़ा कछुआ बज रहा है। इधर साले ये बड़ा कछुआ इस पे आराम से बैठ सकता है, सर बैठ जाएगा इजीली। बस बहुत ही रहता है, ठीक है कर देंगे। ये अपना कछुए का स्टैंड लगा दिया है, ये रहा, आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो ये इसका स्टैंड लग गया इधर और इस पर आराम से तहर के घूमने फिरने के बाद भाई साहब का जब मूड होगा तो इसके ऊपर चढ़कर यहाँ पर बैठ जाएगा, हवा ले सकेगा, सांस ले सकेगा। अभी इससे दोस्ती करने के चक्कर में लग रहा है, घूम रहा है, देख रहा है क्या लगाया है यहाँ पर नया। तो अब इसको मिल गया इसका घर, जैसे हमें मिल गया हमारा घर। तो अब अपना घर आ चुके हैं और चाय का ब्रेक है हमारा, टी ब्रेक हो चुका है, तो टी पियेंगे आराम से जमीन बैठ के, डाउन टू अर्थ बनते हैं। ये पेटीज रखी है हमारी और साथ में, तो पेटीज और चाय पियेंगे और आपसे मिलते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और इस वक्त बज रहे 11:15, हम आपको बताया सही 6:30 अपना घर आ चुके थे और हमने फिश टैंक का काम भी निपटा दिया, चाय वाय भी पी ली और भाई खाना वाना भी खा लिया। और तबीयत हो रही है ख़राब क्योंकि आपको जैसे सुबह से बता रखा है, मैं थोड़ा कोल्ड वोल्ड और ये कोल्ड हो रहा था, छींक भी आनी शुरू हुई, पहले कोल्ड हुआ छींक आनी शुरू हो गई, अब हल्का हल्का फीवर सा बन गया है। आफ्टरनून में भी मैंने ऑफिस में डोरो 650 खाई थी आफ्टर लंच, बट सीरियसली इस वक्त तो ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल आंखें घुट रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है। बट मैंने कहा नहीं यार, व्लॉग नहीं रुकना चाहिए, व्लॉग एंड करके ही सोना है और कल भी बनाना है। तो आई डोंट नो क्यों जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा हूँ, क्यों हो रहा है। एक बार मुझे लगता है कि मेरे को भी अपना फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, तो वो भी टेस्ट करा लूँगा। वैसे तो कुछ नहीं है, ऑल फिट, बट ये मौसम चेंज हो रहा है मे बी, इस वजह से थोड़ा हो रहा है। फिर अभी शिफ्टिंग किया था, घर शिफ्ट किया तो उसमें बहुत काम किया, तो मे भी शायद गला सेंसिटिव है थोड़ा मेरा, तो धूल मिट्टी की वजह से फिर से वायरल बनप गया हमारे बॉडी में। तो एक दो दिन में भी ठीक हो जाएगा, पर व्लॉग नहीं रुकेंगे। तो अब सोते हैं 11:15, और कल वही आफ्टरनून शिफ्ट है 12:30 से 8, वो 12 से 8:30। तो कल मिलेंगे आपसे, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड विश यू अ वेरी वेरी वुमेंस हैप्पी वुमेंस डे।
तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल, लव यू गाइस, कल मिलते हैं, बाय।